हेलो जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे मज़े में होंगे मैं भी अलमदिल्ला बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में तो जनाब ये व्लॉग मैंने कल ही बनाया था कल जब मैंने अपना शॉपिंग हॉल का व्लॉग किया था फिल्म तो उसके बाद हम लोग घर से निकल गए थे और मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें मुझे रिटर्न करनी है और कुछ चीज़ें मुझे नहीं ख़रीदनी है तो आज मैं आ गई थी जिस स्टोर्स में और लास्ट टाइम कल जब मैंने व्लॉग लगाया था तो किसी ने मुझे कहा था कि गुल प्लीज़ आप स्टोर ज़रूर मेन्शन किया करें तो स्टोर तो जनाब मैं ऑलवेज़ मैंशन करती हूँ कि मैं कौन से स्टोर में गई किस स्टोर से निकली क्या किया क्या नहीं तो आज मैं गई थी जनाब मुझे दो तीन स्टोर में जाना था मुझे जाना था आरडीन में और मुझे जाना था विनर्स में और मुझे जाना था मार्शल्स में तो ये तीन चार स्टोर्स मुझे आज विज़िट करने थे तो बस मैं और जबराइल निकल गए पहले हम लोग निकले नवीद और मैं और हम लोगों ने घर के काम कर लिए जो मेरे थोड़े बहुत काम थे पेंडिंग जो मुझे करने थे और वो काफ़ी दिनों से मैं छोड़ रही थी कि कल कर लूँगी कल कर लूँगी तो फाइनली इवेंचुअली हम लोग वहाँ से निकल आए और उसके बाद अभी जबराल एंड मैं निकले हुए हैं बाहर क्योंकि आपको पता है ये मेरी पार्टनर है जो जो चीज़ें मुझे जहाँ जहाँ से ख़रीदनी होती हैं ये हमेशा मेरे साथ जाती है इसके इसके साथ मुझे शॉपिंग करने का मज़ा भी आता है लाइक इसके साथ जब भी मैं जाती हूँ मुझे अच्छा लगता है क्योंकि सारी शॉपिंग जो कि मुझे करनी होती है राम आराम से मुझे कहती है अम्मा आप ये भी देख लें अम्मा आप वो भी देख लें आप ये भी कर लें आप वो भी कर लें तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये मुझे जिब्राइल के साथ करने में मज़ा आता है वैसे तो बैबरस भी बहुत अच्छी है मेरी हेल्प करती है लेकिन आजकल बैबरस के कुछ एग्ज़ाम्स वग़ैरह हैं उसके असाइनमेंट्स हैं तो आजकल तो वो उसको सर को जाने का भी टाइम नहीं उससे कोई कह दो से के बैबरस ये काम कर दो तो फुल्ला वो कहती है अम्मा मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया तो जब बच्चे स्टडीज़ कर रहे होते हैं तो फिर मैं उनको तंग नहीं करती उनको मैं बॉदर नहीं कहती मैं कहती हूँ चलो अगर आप लोगों ने अपना टाइम लेना है तो आप लोग अपना टाइम ले लो और मैं जिब्राइल के साथ चली जाती हूँ अगर कभी जिब्राइल फ़्री नहीं होती है तो मैं मीकैल को ले लेती हूँ लाइक like, मैं अकेले नहीं जाती मुझे अकेले बिल्कुल अकेले जाना अच्छा नहीं लगता मैं वीकेंड्स पे जब भी बाहर निकलती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी एक ना एक बच्चे को साथ लेके जाऊँ तो रमज़ान के बाद आई मैं फ़र्स्ट टाइम बाहर निकली थी और मैंने खूब मज़े किए काफ़ी ज़्यादा मैंने जो कहते हैं ना जो आपने जो जो चीज़ें भी लेनी होती हैं वो चीज़ें वगैरह भी मैंने ले ली और सारे जो काम मुझे करने थे वो सब काम भी मैंने कर लिए लाइक like, मैंने रिलैक्स होकर आज अपना टाइम स्पेंड किया मुझे हंसी आ रही थी मैंने कहा कि जब मुझे याद आया तो लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना तो मैं भाग रही थी ये भी जल्दी से कर लूँ वो भी जल्दी से कर लूँ टाइम डन हो रहा है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है तो आज मैं इतनी रिलैक्स थी क्योंकि मैं आज जब निकली दिजाना की जॉब थी तो दिजाना को मैंने जॉब भी ड्रॉप किया और उसके बाद मैं इधर आ गई थी और मैं जब घर वापस गई हूँ मैंने तकरीबन तीन साढ़े तीन घंटे मैंने गुजारे थे बाहर जब मैं घर गई तो मुझे नवीद देख कहते थे अब तसली हो गई है अब मज़ा आ गया सब चीज़ें वगैरह हो गई मैंने कहा हाँ हाँ सारी तसली हो गई है सारे काम हो गए हैं तो मुख्तफ स्टोर्स पर गई थी यहाँ पर मुझे थोड़ी सी दो चार चीज़ें ग्रॉसरी की लेनी थी तो मैं वो भी लेने के लिए आ गई क्योंकि जब भी मैं बाहर जाती हूँ मुझे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर याद आ जाता है कि मैं ये रह गया या मुझे वो रह गया थी सारी चीज़ें मुझे लेनी है तो ये मैं यहाँ पे आई थी लेकिन इस स्टोर में मैं आई तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा यानी फ्रूट वेजिटेबल्स भी फ़्रेश नहीं थी ज़्यादा वैरायटी भी नहीं थी तो मैंने सोचा कि चलो बस यहाँ से निकलते हैं और बाहर जा के किसी और स्टोर पे जाते हैं तो अब हम एक और स्टोर पे आ गए हैं ये स्टोर मेरे रास्ते में पड़ता मैं कभी स्टोर में नहीं आई इसका नाम है जी जाएं टाइगर मैं कभी स्टोर में नहीं आई हूँ तो जिब्राइल मुझे कहती है अम्मा अम्मा इसमें चले मैंने कहा चलो भाई आज तो मैं इसमें लेके जाती हूँ क्योंकि ये योर मुझे लगता है इसकी क्वालिटी और ये सब चीज़ें थोड़ी सी थोड़ी सी मेरे लाइक like, जो मैं चीज़ें पसंद करती हूँ उस जैसी नहीं है तो इसलिए मैं अंदर गई जैसे गई वैसे ही मैं बाहर आ गई सच में बताऊँ मैंने कुछ नहीं लिया यहाँ से लेकिन बाकी स्टोर से मैंने चीज़ें वगैरह ली शॉपिंग वगैरह की है और अभी हम लोग घर से निकले हैं किधर हम लोग जा रहे हैं जनाब आज जी हमारी है जी मूवी नाइट जी अलहमदिल्ला रमज़ान खैर खरीत से ख़त्म हो गया सारे मेरे रमज़ान में हम लोगों ने कोई मूवी नाइट नहीं की हमने बच्चों के साथ मूवी नहीं देखी या इस तरह से कोई पिज़्ज़ा नाइट भी नहीं की थी तो आज हम लोगों ने सोचा क्योंकि फ़र्स्ट आया है जी ये सैटरडे संडे तो हम लोग इसको थोड़ा इन्जॉय करते हैं थोड़ा स्पेशल बनाते हैं तो मैं अभी निकली हूँ शाम का टाइम था अभी मैं गई हूँ जा रही हूँ जनाब पहले मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है और इस वक्त रात के तकरीबन नौ बज चुके हैं आपको रोशनी लग रही है लेकिन रात के नौ बज चुके हैं अभी मैं जा रही हूँ पिज़्ज़ा लेने पिज़्ज़ा लूँगी यहाँ से निकलूँगी तो जाऊँगी दजाना जाना को पिकअप करूँगी फिर घर जाके हम लोग पिज़्ज़ा खाएंगे और चूँकि वीकेंड है और रात का टाइम बच्चों को मैं बाहर लेके जाती हूँ तो फिर बच्चों को बाहर लेके जाऊँगी वो कुछ लेते हैं स्लर्पीज़ वगैरह या आपको पता है टिमोटेन वगैरह बच्चे जाते हैं तो चूँकि सैटरडे संडे हम लोगों के लिए वो कहते हैं ना कि पूरा वो आ, हमारी ना वो कहते ना कि हम पूरा कोई टाइम टेबल नहीं कोई स्केजुअल नहीं कोई कुछ नहीं हम उसको इंजॉय करते हैं लाइक वीकेंड का हमें पता चलता है कि ये वीकेंड है क्योंकि हमारे वीक डेज में हम घड़ी की सुइयों के साथ गुजारते हैं हम लोग कोई चीज़ आगे पीछे नहीं करते हैं जो काम जिस टाइम पे होना होता है हम उस काम को उसी टाइम पे करते हैं लाइक मुझे तो नबीत नबीद भी कभी बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुमने घर में ना वो फौजियों वाला रखा हुआ है रूल्स के ये काम इतने बजे करना है ये काम इतने बजे करना है तो मुझे अच्छी लगती हैं चीज़ें अपने टाइम पे करना या अपनी चीज़ों को अपने 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 टाइम पे और अपने अपने, अपने हिसाब से करना लाइक like मैं चीज़ें जब मेरी चीज़ें थोड़ी चेंज चीज़ हो जाती हैं ना तो मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मेरी कोशिश होती है कि मैं चीज़ें बच्चों को बताऊँ कि ये चीज़ है इसकी ये जगह है ये इधर जाएगी ये इस चीज़ की ये जगह है ये इधर जाएगी तो मेरी लाइफ पाँच दिन ऐसे चलती है लेकिन वीकेंड पर मैं थोड़े रूल्स वगैरह साइड पर रख देती हूँ मैं कहती हूँ नहीं वीकेंड है बच्चों को थोड़ा वीकेंड का एहसास भी तभी होगा कि अगर वो इस तरीके से थोड़ी सी आज़ादी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो बच्चे सारे गाड़ी में है तीनों बच्चे मेरे साथ आए हुए थे दजाना जाना को हमने भी पिकअप करना है मैंने ऑर्डर दे दिया और अब मैं आ गई हूँ गाड़ी में फ़िफ्टीन मिनट अब हो गए हैं अब मैं दोबारा अंदर जा रही हूँ पिकअप करने के लिए हमारा पिज़्ज़ा जो मैंने ऑर्डर कर दिया था बस जाते हैं पिज़्ज़ा लेते हैं क्योंकि दर जाना की जॉब ऑफ़ होनी थी तकरीबन तकरीबन हाफ़ एन आवर हमें यहाँ पर लग गया था और उसकी जॉब ऑफ होने में तकरीबन पाँच सात मिनट रह गए हैं और क्योंकि वो जॉब बिल्कुल करीब करता तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है मैं यहाँ रुक गई थी मैंने कहा मैं तो मेरा थंबनेल बना दो तो वह बस कहती अम्मा देखने वाले क्या कहेंगे आप पिज़्ज़ा लेते आती आती रुक गई थी मैंने कहा कोई बात नहीं लोगों को भी पता चले आज हमारी पिज़्ज़ा नाइट है तो बस जनाब अभी हमने पिज़ा वगैरह पिकअप कर लिया अब हम जा रहे हैं और दाना को पिकअप करेंगे घर जाएंगे पिज़ा नाइट मूवी के साथ देखेंगे और फिर मैं बच्चों को लेके दोबारा निकलूँगी तो ऐसे ही गुजरता है जी मेरा सैटरडे लाइक मैं वीकडेज़ में वैसे बिजी होती हूँ लाइक इतने काम वो सब और वीकेंड पे इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी कि उसका पता ही नहीं चलता अभी मैंने बच्चों की जो स्विमिंग वगैरह है ना वो मैंने अभी वीकेंड्स पे नहीं रखी मैं उनको वीक डेज में ले जाती हूँ हालांकि वो मेरे लिए बड़ा हार्ड हो जाता है लेकिन मैं कहती हूँ नहीं वीकेंड पे जाओ भाई वीक वीक डेज में जाओ ताकि वीक डेज में चूँकि पहले ही बिजी चल रहा होता है तो हम वैसे ही बिजी बिजी हो जाते हैं तो मेरा मेरी ये कोशिश होती है कि वीकेंड पर मैं वो काम रखूँ जिस पर कोई टाइम टेबल ना हो लाइक अगर मुझे बच्चों को स्विमिंग लेके जाना है तो उनका तो टाइम होगा तो मैं वो काम करती हूँ जिसका टाइम ना हो जिस पर मुझे एक टाइम पर एक जगह पर पहुँचना ना पड़े तो बस से ना अभी हम लोग जा रहे हैं द जाना की दाना को पिकअप करने के लिए आपको मैंने बताया था हमारे पास शाम बहुत लेट होती है लाइक हमारे पास आज कल आपको पता है कि डेज इतने लंबे होते जा रहे हैं दिन ब दिन दिन लंबे हो रहे हैं कि हमें इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि इंतजार करना पड़ता है रात कब होगी अभी हम लोग घर गए थे खाना शाना खा लिया अब हम लोग आ गए हैं जनाब सेवन इलेवन पहले एम टिम होटल गए थे वहाँ पे मैंने फिल्म नहीं किया क्योंकि मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी हमने ड्राइव थ्रू ही लिया तो भी हम आए हैं सेवन इलेवन यहाँ पे मैं बच्चों के साथ आती हूँ बच्चे कुछ खाने पीने के लिए ले, ले लेते हैं उनको स्लडपीस वगैरह अच्छी लगती है द जाना स्ल नहीं पीता द जाना को कॉफ़ी अच्छी लगती है टिम बेड्स अच्छे लगते हैं या वो वहाँ के खाता है जी कुछ भी वहाँ के स्नैक्स लेकिन छोटे तीनों बच्चों को यहाँ की चीज़ें अच्छी लगती हैं तो बस हम इधर आ गए अब यहाँ से हम लोग लेंगे उसके बाद घर जाएंगे मूवी हमने थोड़ी सी देखी है ज़्यादा नहीं देख सके क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था जाना को जॉब से निकलते हुए खाना खाते हुए तो इन शाह तला यही मूवी अगले हफ्ते हम फिर कैरी ऑन करेंगे और बस अभी यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद घर जाएंगे फिर नवीद और मैं हम लोग हमेशा लाइक कुछ चीज़ें जो हम बच्चों के साथ देखते हैं जो मूवीज़ हमें पता होता है कि बच्चों के साथ तो कहते हैं ना फैमिली फ्रेंडली जो मूवीज़ होती हैं वो हम बच्चों के साथ देखते हैं और जो फैमिली फ्रेंडली थोड़ा हमें जिस पर डाउट होता है कि हमें लगता है कि ये बच्चों के साथ बैठ के नहीं देखनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी मूवीज़ होती हैं जो आप कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते अपने बच्चों के साथ देखना तो फिर नवीद और मैं मेरे रूम में जो टीवी है वहा वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ वीकेंड पे देखते हैं रात को हम सोते हैं दो दो तीन तीन बजे फिर सुबह हम उठते हैं सात आठ बजे दोबारा क्योंकि पूरा एक हफ़्ता जल्दी जागने की इतनी आदत होती है कि बस वो दोबारा हमसे जल्दी देर तक सोया ही नहीं जाता तो बस ना अब इस तरीके से मैंने आज ना अपना आज का सारा दिन इतना बिजी वीकेंड गुजारा मैंने कहा आपको दिखा दूं कि हमारी लाइफ कैसे गुजरती है जब रमज़ान होता था तो हमारी बिज़ी होने की वो डिफ़रेंट होती थी सारी की सारी एक्टिविटीज़ और रमज़ान के बाद डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं तो मुझे कभी कभी यही लगता है कि इंसान जितना बिज़ी रहता है तो उसमें भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोग अच्छा टाइम गुजार रहे हैं झटपट टाइम गुजार रहे हैं हमें टाइम बहुत लंबा नहीं लगता क्योंकि जो टाइम बहुत लंबा लगता है ना उसको गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है बस ये वही वाली बात है कि आपको बस शुक्र करना आना चाहिए आपको अपनी हर तरह की एक्टिविटीज़ के साथ अपने टाइम के साथ आपको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए और ये शुक्राना जब आपके अंदर आ जाता है है ना तो फिर आपको दुनिया की कोई चीज भी तंग नहीं करती है तो चलें आप ये था मेरा आज का व्लॉग आपके साथ शेयर किया कि हम लोगों ने कितना बिज़ी अपना वीकेंड गुजारा उम्मीद करती हूँ हमारा ये स्केजल ये वीकेंड का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा आपने इन्जॉय किया होगा आई एम श्योर कि आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ ऐसे ही टाइम गुजारते होंगे तो चलें आप लेती हूँ आपसे इजाज़त उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पर मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल और हमें रखिएगा आप अपनी दुआ में यहाँ टेक केयर जी अल्लाह हाफिज़